Hi all, this is Anjali. और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि CBSE के जो बोर्ड एग्जाम्स बचे थे 10th और 12th क्लास के वो पोस्टपोन हो चुके हैं. सो फ्रॉम 19th टू 31st मार्च जो भी एग्जाम्स थे अभी वो अभी नहीं होंगे. दे विल बी रीशेड्यूल्ड एंड उनकी जो डेट्स आएंगी वो 1st अप्रैल के बाद की होंगी. सो नॉट ओनली CBSE बट ICSE बोर्ड हैज ऑल्सो रीशेड्यूल्ड देयर एग्जाम्स. तो वो भी पोस्टपोन हो चुके हैं. न्यू डेट्स जब आएंगी आई विल लेट यू नो अबाउट दैट. पर अभी न्यू डेट्स नहीं आई हैं एग्जाम के लिए. सो हमारा एग्जाम जो था दैट वॉज शेड्यूल्ड टू बी ऑन 21st बट अभी वो नहीं है. सो लेट्स सी कब होता है. सो इससे आपको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा. बट अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन जो आंसर शीट की इवेल्युएशन होती है वो भी पोस्टपोन कर दी गई है. सो टीचर्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में जाते हैं जहाँ पे आपकी आंसर शीट्स चेक करी जाती हैं. तो वो काम भी पोस्टपोन कर दिया गया है. वो अभी आंसर शीट्स आपकी इवेल्युएट नहीं हो रही हैं. तो इस चीज़ का क्या आपके रिजल्ट्स, क्या आपके मार्क्स पे कोई फर्क पड़ सकता है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. बिफोर आई कंटिन्यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब्ड येट एंड यू आर अ क्लास 12th स्टूडेंट एंड हैव IP और CS इन योर सिलेबस. या फिर किसी भी और तरीके से आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग प्रोग्रामिंग. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि क्या इस चीज़ का आपके मार्क्स या चेकिंग पे कुछ फर्क पड़ेगा. देखो, जो नॉर्मल आंसर शीट्स चेक करने का प्रोसीजर होता है उसमें यूजुअली टीचर्स के पास एक सेट ऑफ आंसर शीट्स होती हैं जो हमें चेक करनी होती हैं एंड वी हैव अ प्रीडिफाइंड टाइम इन आवर माइंड कि एक आंसर शीट चेक करने के लिए इतना टाइम हम यूज करेंगे. अब उस टाइम में भी आपकी आंसर शीट पे लिखा एक एक वर्ड रीड नहीं किया जाता बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि हर आंसर शीट का हर वर्ड रीड किया जाए. सो उसमें क्या होता है, तभी हम आपको कहते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है. आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली अंडरलाइन करने हैं. अगर आपका कोई आंसर पॉइंट्स में है तो उसे 1, 2, 3 करके पॉइंट्स में लिखो. जहाँ ज़रूरी है या जहाँ डायग्राम एसोसिएटेड है तो डायग्राम बनाओ बिकॉज अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स. सो अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन इटसेल्फ प्रॉपरली. तो वेल लेबल्ड डायग्राम अगर आपने बनाया हुआ है उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपकी थियोरी एग्जामिनर पढ़ेगा भी नहीं. जब डायग्राम सही है तो ऑब्वियसली उसको एक्सप्लेन भी सही किया होगा. और हमारा तो सब्जेक्ट ही प्रोग्रामिंग का है तो उसमें तो प्रोग्राम या तो ठीक होता है या गलत होता है. बट जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनके लिए आई वुड से कि इतना ज़्यादा जो एक एक वर्ड रीड करने वाला काम है वो नहीं किया जाता. और अब तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हो जाएगी. सो जो चेकिंग होगी वो थोड़ी स्पीड अप करनी पड़ेगी क्योंकि अभी भी 1st अप्रैल तक पोस्टपोन किया गया है. बट इट्स नॉट श्योर कि 1st अप्रैल से शुरू हो जाएगा. दैट विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस. बट आई विश कि शुरू हो जाए. सर्कमस्टांसेस अच्छे ही हो, कोरोना वायरस का इफेक्ट ज़्यादा ना हो हमारी कंट्री में एंड एवरीथिंग शुड गेट बैक टू नॉर्मल. सो वी प्रे फॉर दैट कि और कोई चीज़ जो है वो लिंगर ऑन ना हो, पोस्टपोन ना हो, दुकानें बंद ना हो, मॉल बंद ना हो. एवरीथिंग शुड बी अंडर कंट्रोल एंड लाइफ नॉर्मल पेस पे वापस आ जाए. बट इसका इफेक्ट जो आपके मार्किंग पे होगा वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड बी लीनियंट. लीनियंट बिकॉज जब हम चेक कर रहे होते हैं तो हम कभी भी वो जैसे मैच में भी होता है बेनिफिट ऑफ डाउट. सो यहाँ पर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दैट इज बेनिफिट ऑफ फास्ट चेकिंग में आपके मार्क्स जो हैं आपको एक्स्ट्रा जरूर मिल सकते हैं बट वो काटेंगे नहीं. सो आपकी जो मार्किंग है वो थोड़ी लीनियंट होने के चांसेस हैं. सो इट शुड नॉट बी दैट हार्ड बिकॉज दे हैव टू फिनिश द वर्क फास्ट. और स्टूडेंट्स को किसी भी वजह से अननेसेसरी हार्म ना हो इसलिए लीनियंट मार्किंग ही होनी चाहिए और होगी जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. सो दैट इज़ वॉट आई थिंक शुड बी द इफेक्ट ऑफ डिलेड आंसर शीट चेकिंग ऑन द मार्किंग स्ट्रैटेजी. लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी वॉट हैपन्स. एंड आई विश कि जितना एफर्ट आपने डाला है, जिस तरह से आपने एग्जाम्स दिए हैं, आपको उसका पूरा फ्रूट वापस मिले. यू शुड गेट गुड मार्क्स. और मार्क्स तो मोमेंट्री चीज़ है, उसके आगे लाइफ में और भी बहुत कुछ है. बट ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो अच्छी बात है और अगर नहीं भी आए तो इट्स ओके. देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ. सो डोंट डिसहार्टन योर सेल्फ फॉर एनी रीज़न. और जिन लोगों के पास अभी एग्जाम बचे हुए आएंगे, सिर्फ नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जिनके पास IPCS नहीं है, उनके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं. सो दे आर फ्री, दे विल प्रिपेयर फॉर मेंस एंड रेस्ट ऑफ यू जस्ट कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर हिंदी, बिजनेस स्टडीज एंड IP एंड कंप्यूटर साइंस. सो इसमें IP और कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है,
उसके लिए मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी. आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस फॉर लास्ट 5 ईयर पेपर्स फॉर बोथ आईपी एंड सीएस ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस के लिए आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सैंपल पेपर्स विद सॉल्यूशंस. सो हम मिलते रहेंगे रोज फॉर प्रिपरेशन जब तक एग्जाम हो नहीं जाता. सो लेट्स सी कब होता है कैसे होता है. वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड. सो जस्ट बी पेशेंट एंड सी वॉट हैपन्स. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय द टाइम आई अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग.